हेलो एवरीवन, इस चैप्टर के शुरुआत में तबाही देखने को मिलता है उसी ऑरा से जो लास्ट चैप्टर में पिलर से निकला था, और वो अभी स्पेस को भी शटर करने लगा है जो कि आप देख सकते हो, और साथ ही सबका हालत को भी जो सही तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। तभी सुशवान मूचन को पूछता है आप क्या करें। तभी मूचन लिंगर को संभाल कर बोलता है जबकि बाईशवान अभी तक हमें नहीं नोटिस किया है तो चलो यहाँ से निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी मूचन सामने देखता है कि उसके सामने जमीन क्रैक हो रहा है, और तभी वो और कुछ सोचता उतने में वहाँ से ऑरा आके उसके फोरहेड पर हिट होता है और उसे बहुत जोर का झटका लगता है। इवन उससे लिंगर भी छूट जाती है, लेकिन मूचन दर्द को सह के लिंगर को प्रोटेक्ट करने जाता है। मगर तभी अचानक लिंगर होश में आने पर मूचन को बहुत क्लोज देखने पर गजब का मुक्का मार के कहती है मूचन मैं तुम्हें लेकर गलत था। और फिर आगे वो कहने लगती है मैं इतना स्ट्रॉन्ग कब से हो गया हूँ। तभी बाकी सब भी लिंगर की पावर से शॉक्ड है, बट तभी सुशवान मूचन को संभालने के लिए मूचन के पास आती है। मगर उस अटैक के कारण जो कीवाई मूचन से निकल रहा है, सी सुशवान उसे देखकर कहने लगती है क्या ही एविल क्यूआई है, क्या मूचन ट्रेजर ढूंढने के वक्त इस एविल क्यूआई से इन्फेक्ट हुआ था। और तभी फनी लिंगर कहती है सीस आप क्या कहना चाहते हो कि मूचन मेरे पंच के कारण जमीन पर परा हुआ नहीं है। जहां सीस भी लाइक क्या तुम्हें खुद की एबिलिटी पता नहीं है। और तभी लिंगर स्माइल के साथ कहती है शायद मुझे गलतफहमी हुई हो। और तभी सुशवान शियोंग को मूचन को कैरी करने कहता है और सबको बोलती है जब बाईशवान हमें फॉलो नहीं कर रहा है तो चलो हम यहाँ से जल्दी भाग जाते हैं। तभी एक खाली जगह पर स्पेस से बाईशवान को निकलते हुए देखने को मिलता है, या फिर कह लो उस पिलर ने निकल दिया है। और वहां से निकलने के बाद बाईशवान गुस्से से बोलता है डैम पिलर डिसअपीयर हो गया। और फिर बाईशवान कहता है अभी हम खुद को मूचन और बाकियों को मार के व्हाइट वर्ल्ड को वापस लेके बचा सकते हैं। और फिर बाईशवान उन्हें ढूंढने लगता है कह के कि उनके पावर्स लिमिटेड है तो वो लोग ज्यादा दूर भाग नहीं सकते हैं। और फिर वो उसके आई पावर्स के साथ उन्हें ढूंढ भी लेता है और अटैक के साथ कहता है आज तुम लोगों का आखिरी दिन है। लेकिन तभी अचानक मूचन को ग्रेट बुद्धा आर्ट के साथ देखने को मिलता है उसके स्पेस में। और फिर वो चीख कर बोलता है मुझे यहाँ जरूर रुकना होगा क्योंकि अगर एविल क्यूआई मुझे कंट्रोल करना चालू किया तो मुझे डर है मैं एक मॉन्स्टर बनकर रह जाऊंगा जो सिर्फ स्लॉटर करना चाहेगा। और तभी जीवियों को देखने को मिलता और वो मूचन के कंधे पर हाथ रख कर कहती है लगता है तुम बिजी हो। तभी मूचन भी कहता है मेरे मदद करो जल्दी। तभी जीवियों बार्ट विद बार्ट्स ऑरा देखने को मिलता है एंड शी भी लाइक घबरा कह रहे हो। और तभी मूचन भी लाइक आप कोई परेशानी नहीं है। मगर उतने में जीवियों बार्ट जितना धासु इंप्रेशन सेट किया सब पानी में मिला देती है क्योंकि तभी जीवियों बट अचानक गिर जाती है जो देखकर मूचन भी लाइक अब क्या हुआ। और उतने में मौत का पिलर भी उन्हें दबोचने के लिए बिल्कुल नीचे आ रहा है। और तभी परेशान होके मूचन सोचता है अब क्या करा जाए। और तभी बार्ट उठकर कहती है मैं गलत नहीं हूँ, ये एक एंशियंट टाइम का एविल आर्टिफैक्ट है। जो सुनकर मूचन बोलता है तो क्या मरने का इंतजार करेंगे। और फिर मूचन गुस्से से कहता है क्या लगता है कि मेरे सी कॉन्शियस पर मैं इतने आसानी से मरूंगा। यानी ये सब मूचन का सी कॉन्शियस पर हो रहा है जिसका अंदाजा बाहर किसी को भी नहीं है। और जिस पिलर को सब ढूंढ रहा है वो मूचन को मारने के लिए मरा जा रहा है। लेकिन जीव बार्ट भी लाइक हीरो बनने की कोशिश मत करो क्योंकि तुम्हारे सी क्यूआई पर एक ऐसा चीज है जो उसे हरा सकता है। तभी मूचन का दिमाग की बत्ती जलती है और वो बोलता है तुम्हारा मतलब वो ब्लैक पेपर। तभी जीव कहती है ये ब्लैक पेपर ही हमारा आखिरी खजाना है। और तभी मूचन हैंडसन के साथ जीव बार्ट से पूछता है उस ब्लैक पेपर में क्या है। चाहे जीवियो कहती है उस ब्लैक पेपर पर एंशियन वेब मौजूद है जो किसी एंशियन डिवाइन टेक्स्ट का फ्रेगनेंट हो सकता है। तभी मूचन जीवियो को कहता है एंशियन टेक्स्ट क्या है और तुम्हें इसके बारे में पहले से क्यों पता है और क्यों नहीं मुझे कहा। चाहे जीवियो बार्ट बनते हुए कहती है क्योंकि तुमने पहले पूछा नहीं। चाहे मूचन गुस्से से कहता है अब ये ब्लेम भी मेरे ऊपर ही फेंक दो। और तभी जीवियो बार्ट मुद्दे की बात करने लगती है कि तुम्हारे सी क्यूआई का वो फूल
बहुत पावरफुल सीलिंग मैजिक एरे को पॉजेस करते हैं तो तुम उसके साथ मैजिक पिलर को सील कर सकते हो। तभी मुचेन कहता है अभी इस पॉइंट पर मुझे ये करना ही होगा और तुरंत मुचेन फ्लोर के ओर जाने लगता है जहाँ पीछे से बार्ट कहती है तुम फ्लोर को एक्टिव करो तब तक मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूँ। तभी मुचेन ओके कह के फ्लोर के ऊपर बैठ कर कल्टिवेट करने लगता है। कुछ ही टाइम बाद जीवयू बार्ट चीख कर कहती है वहाँ क्या चल रहा है मैं और ज्यादा देर पिलर को होल्ड नहीं कर पाऊंगी। और तभी मुचेन आग खोल कर कहता है गॉट इट। और तभी बाहर का सिनेरियो देखने को मिलता है जहां कमीना बाईशवान बाकियों को रोक कर रखा है। तभी सिसुओशवान लिंगर को कहती है तुम मुचेन को लेके यहां से चले जाओ हम बाईशवान का देखभाल करेंगे। और साथ ही शियोंग भी कहता है लिंगर जाओ जल्दी हम पीछे पीछे आ रहे हैं। तभी लिंगर मुचेन को उठा के सैड होके भागने लगती है और कहती है सिस जल्दी हमसे कैचअप कर लेना। तभी बाईशवान कहता है मैंने पहले ही कहा आज यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जा सकते हो। और तभी सिसुओशवान कहती है जाओ जल्दी। और फिर शियोंग सिस एनारन और सिसुओशवान तीनों एक साथ पावर अप होकर बाईशवान को अटैक करते हैं लेकिन तीनों को अकेला ब्लॉक करता है बाईशवान और उसका अटैक प्रेशर इतना होता है कि उससे तीनों का टिक पाना मुश्किल हो रहा था। मगर तभी शियोंग सिस एनारन और सिसुओशवान का बचाने के लिए दोनों का ढाल बन जाता है। इस कारण से वो ब्लड वोमिट कर देता है जो देखकर दोनों शियोंग से पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो। जहां शियोंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी बाईशवान एविल लुक के साथ कहता है हाँ हाँ जल्दी तुम सभी सही हो जाओगे। और तभी सीन कट होता है और लिंगर को देखने को मिलता है जो रोती हुई कहती है बाईशवान तुम बस वेट करना वक्त आने पर मैं हर चीज का बदला लूंगा। और तभी धीरे से मुचेन बोलता है लिंगर मुझे नीचे रखो। तभी मुचेन के बॉडी से रेड ऑरा निकलने लगते हैं और वो देखकर लिंगर कहती है मुचेन तुम्हें क्या हो रहा है। और फिर रोती हुई लिंगर कहती है मुचेन तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं होनी चाहिए नहीं तो सिस्टर और बाकियों का सेक्रीफाइस वेस्ट होगा। तभी मुचेन का अलग ही रेज हमें देखने को मिलता है और वो बोलता है आज हम में से कोई भी नहीं मरेगा। और फिर आगे मुचेन लिंगर को कहता है कुछ ही समय में तुम सिस और बाकी सबको लेके यहाँ से जितना दूर हो सके चले जाना और मेरे आसपास बिल्कुल भी मत आना। और फिर लिंगर की ओर हाथ बढ़ाकर मुचेन कहता है बाईशवान बहुत टाइम से एरोगेंट होके रखा है तो उसे खत्म करने का वक्त आ गया है। और विद इन ब्लिंक मुचेन बाईशवान और सिस के बीच में पहुंच जाता है और वहां बाईशवान को वो कहता है बाईशवान तुम्हें जो चाहिए वो मेरे साथ है तो बाकियों को जाने दो। तभी लिंगर सिस को कहती है सिस आप ठीक हो। जहां शियोंग बोलता है मुचेन वापस क्यों आया। तभी रेड ऑरा देखकर सिसुओशवान कहती है मुचेन के साथ कुछ तो गलत हो रहा है। और फिर आगे सिसुओशवान कहती है समथिंग इज डेफिनेटली राइट और ये फीलिंग उससे कॉम्प्लीटली स्ट्रेंज है क्या मुचेन ठीक है वो डेविल की वाइस से काबू नहीं हो सकता है। और तभी जीवयू बार्ट को देखने को मिलता है जो मुचेन को देखकर कहने लगती है क्या ही क्रेजी पर्सन है बट अगर आप सारे एविल की वाई को अपने इस्तेमाल में बदलना चाहते हो तो यही एक रास्ता है। और फिर जीवयू आगे कहती है लेकिन अगर एविल की वाई मुचेन को कंट्रोल करने में कामयाब हुआ तो फिर मुचेन एक कठपुतली बनकर रह जाएगा साथ ही मैं भी खो जाऊंगी बट और कोई रास्ता नहीं है तो मैं इस बार ये दाव खेलूंगा। और तभी शियोंग का शॉकिंग रिएक्शन देखने को मिलता है और वो कहता है क्या मेरे आंखों में कुछ दिक्कत हो रहा है जो मैं मुचेन का कीवाई को नहीं देख रहा हूँ। तभी सिसुओशवान भी कहती है हाँ मैं भी उसका एग्जिस्टेंस फील नहीं कर पा रहा हूँ जबकि वो मेरे सामने खड़ा है। तभी बाईशवान हंस के कहता है वाह क्या बात है तुम मुझे हराने के लिए प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ ट्रिक है। तभी मुचेन के आंखों से रेड ब्रोकन थंडर लाइक ऑरा देखने को मिलता है जो देखकर बाईशवान का फटके चार होता है और वो कहता है ये क्या स्ट्रेंज प्रेशर है। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट बाईशवान कहता है इस पॉइंट पर डरने की क्या बात है मैं हाउटियन स्टेज का लास्ट पीरियड पर खड़ा हूँ और सामने एक बस बच्चा है। और फिर बाईशवान मुचेन के ऊपर स्ट्राइक करने बढ़ता है जो देखकर सिसुओशवान मुचेन को वहां से हटने कहती है लेकिन वह मुचेन बाईशवान का वेपन बेयर हाथों से रोक कर उसे उसका औकात दिखा देता है। तभी वो प्रेशर फील करके शियोंग कहता है ये तो एग्जैक्ट पिलर का प्रेशर है। तभी मुचेन रेज पर चला जाता है जिसे बाकियों का वह टेक पाना मुश्किल हो रहा है जो देखकर सिसुओशवान सबको वहां से
भागने कहती है। तभी बाईशवान कहता है, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम कब तक दिखवा करते हो। तभी मुचन का एक गजब का ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है और बाईशवान फिर से स्ट्राइक कर देता है, बट मुचन को कुछ भी नहीं होता। तभी बाईशवान फिर से कहता है, कब तक तुम प्रिटेंड करते रहोगे। तभी मुचन रेड आइस से उसे घूरना शुरू करता है और फिर वेपन निकल कर अटैक करने बढ़ता है। और तभी बाईशवान भी अटैक करने आगे आता है और वो देखकर शिवांग शॉक्ड होके कहता है, क्या मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ, क्योंकि मुचन बाईशवान का बराबर है। और तभी लिंगर कहती है, अचानक मुचन का पावर इतना कैसे इंक्रीज हो गया। लेकिन शिशुशवान गॉट इट कि ये एविल क्यूआई का पावर्स है। सो इसी कारण शीश परेशान होती है सोचकर कि क्या एविल क्यूआई मुचन के बॉडी में चला गया है। तभी वो सुनकर लिंगर कहती है, तो फिर अब हम क्या करें, मुचन खतरे में है। चाशुआन कहती है, मुचन एविल क्यूआई बोरो कर रहा है बाईशवान से लड़ने के लिए, लेकिन आगे जो होगा वो फेट पर डिपेंड है। और तभी बाईशवान को भी आइडिया होता है कि मुचन एविल क्यूआई से पावर्स ले रहा है। सो वो कहता है, उसे सिर्फ स्लॉटर करना आता है और देखो खुद को, तुम बात भी नहीं कर पा रहे हो। और फिर वो पावर अप होने लगता है और कहता है, अगर तुम बहुत पेन में हो तो मुझे तुम्हें आज़ाद करने दो। और तभी उसका ब्लड डीमन बीस्ट बर्निंग सी ऑफ ब्लड समन होता है और तभी ब्लड ऑरा के बीच में मुचन को देखने को मिलता है, जहाँ उसके और ब्लैक ऑरा घूमने लगते हैं। और तभी बाईशवान ब्लड बीस्ट को मुचन को मारने कहता है और तभी बीस्ट तेजी से मुचन को मारने बढ़ता है, लेकिन एंड वक्त पर मुचन आँख खोल कर मुस्कुराता है। तभी जियू भट्ट को देखने को मिलता है जो कहती है, लगता है उसने कर दिखाया। तो अभी बारी है बाईशवान के बच्चे को सबक सिखाने का। तभी मुचन बाईशवान को कहता है, आज जो मरेगा वो मैं नहीं वो तू है। और तभी टाइगर बीस्ट कूल वे में अपीयर होता है और वो देखकर शुआन कहता है, ये कैसे पॉसिबल है, वो कैसे अपने माइंड को कंट्रोल कर सकता है इस स्टेट में। तभी मुचन कहता है, कोई बोल रहा था कि मैं बोल नहीं सकता, आओ मैं तुम्हें राइमिंग सिखाता हूँ। और तभी दोनों के बीच गजब का फाइट शुरू होता है, बट मुचन इस पॉइंट पर बहुत ताकतवर हो चुका है तो वो बाईशवान को डिफीट कर देता है और उसका वेपन भी उसके आर पार हो जाता है। और वह मुचन बोलता है, तुम हार गए हो, लेकिन वो वेपन निकाल कर ब्रूटल वे में और हार ना मान के मुचन को कहता है, आज मैं नहीं तुम हो जो जरूर मरोगे। और जो देखकर मुचन शॉक्ड होता है और ये एपिसोड यहाँ पे समाप्त होता है। सो मिलते हैं अगले एपिसोड पर, तब तक बाय, अपना ख्याल रखना।